हेलो, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल टिप्स आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं आज दो DIY शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट DIY जो कि मतलब होम डेकर है या प्लांटर आप यूज कर सकते हो। मेरे पास एक चीज़ की डब्बे पड़ी थी, उसको लेके पहले मैं जेसो अप्लाई कर दिया अच्छे से। जेसो को अच्छे से अप्लाई करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर ये सूखने के बाद मैं चॉक पेंट वाइट कलर की यूज कर रही हूँ। उसमें अच्छे से मतलब दो बार मैं यूज कर रही हूँ डैब डैब करके। एक बार सूखने के बाद दूसरा कोट फिर अप्लाई करना है। यह हमारा अच्छे से सूख चुका है। अभी मैं एक्रेलिक कलर ब्लू कलर ले रही हूँ और छोटा छोटा हार्ट हर जगह हम ड्रॉ कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी आप आर्ट कर सकते हो। मुझे ये हार्ट वाला से बहुत अच्छा लग रहा था तो ये मैंने आर्ट कर दिया। और उसके बाद पिंक कलर लेके आपके पास जो आता है डॉट टूल्स वो नहीं होगा तो ब्रश के पिछले हिस्से में आप ऐसे ऐसे डॉट कर सकते हो। बहुत सुंदर दिखता है ये वाला प्लांटर। आप घर में सजा के उसमें फ्लावर वगैरह रख सकते हो या मतलब अच्छे से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, फ्लावर या पॉट जैसे। और लास्ट में सूखने के बाद आप जैसो अप्लाई कर देना ज़रूर ताकि वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहे और धूल वगैरह ना चिपके। और ध्यान रखना कि वो सूखने के बाद ही आप अप्लाई करें वरना ये फैल जाता है। ये मेरा आता है सेकंड DIY। मेरे पास ये डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको क्यों ना यूज कर लिया जाए। उसमें आप पेन रख सकते हो, ब्रश रख सकते हो, स्टैंड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इसीलिए फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ जैसो। जैसो को अच्छे से अप्लाई करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी गर्मी भी चल रहा है और ज़्यादा धूप में बाहर मत निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह पीजिए। अभी जैसो हमारा अच्छे से सूख चुका है। अभी वाइट कलर की चॉक पेंट में अप्लाई कर रही हूँ। वाइट कलर की चॉक पेंट भी सूख चुका है। दूसरा कोट में मैं ये कलर यूज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने आपकी फेवरेट कलर जो हो आप यूज कर सकते हो। मैं ये भी वही चॉक पेंट ही लिया है, मैंने ये कलर यूज किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करूँगी। ये मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है और दो तीन कलर की मैंने फ्लावर चूज किया है तो वो बनाएंगे इसके ऊपर। लेट्स एंजॉय।
लास्ट में ये वाला डिजाइन को ब्लू कलर की डॉट से हम कंप्लीट करते हैं। स्पेशली मुझे तो ये वाला डिजाइन इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। सूखने के बाद वार्निश यूज करना मत भूलिए, ताकि वो मतलब सेफ रहे, धूल वगैरह ना जमे, पानी वगैरह लगे तो भी ख़राब ना हो। इसी के साथ कंप्लीट होता है सेकंड DIY, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।